show. Today's heroine, Jemuna Tudu, real life heroine. Abhai, aapka jo life hai, aur ek baar hamara samne sakshat kar rahi. Shiva. Namaste. Dukhar. Chhapkhan ki or se, samast Delhi vasiyon ko, mera namaskar. और जोहार, मैं झारखंड राज्य से हूँ और मैं नटराज महर्षि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज बिल्कुल से जगह में मेरा फोटो एग्जीबिशन कर रहे हैं, क्योंकि हम गांव के लोग कभी नहीं जानते थे और कभी नहीं सोचे थे जो दिल्ली में आकर दिल्ली जैसा जगह में मेरा फोटो एग्जीबिशन होगा, तो ये बहुत ही खुशी का बात है और एक पर्यावरण का बात। ये पर्यावरण मेरा नहीं है, मेरा अकेले का नहीं है, हमारा देश का, हमारा पृथ्वी का, हमारा इस धरती माता का। मैंने धरती माता के लिए काम किया और मैं चाहती हूँ झारखंड का लेडी टार्जन नहीं, हमारा भारतवर्ष में हर घर घर में एक एक लेडी टार्जन बने। लेडी टार्जन में देश नहीं चलता है, हर घर घर में अगर एक एक लेडी टार्जन बनेगी तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा विश्व, हमारा पर्यावरण और भी अच्छा होगा, सुरक्षित होगा और हम सभी सुरक्षित रहेंगे। हम दोनों मिलके बहन जी वहाँ चकुलिया में काम किया था, आपका लाइफ को रिक्रिएट करना पड़ा था, वो जर्नी बताइए जी। नटराज महर्षि जी ने मेरा जो झारखंड राज्य, मेरा जो गांव और जंगल के अंदर में रहने वाले एक साधारण लेडी के लिए काम करना ये असंभव नहीं है, ये बहुत ही कठिनाई का काम है, बहुत ही कठिनाई का बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर आदमी अपना अपना के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों के लिए कभी नहीं सोचते। तो मैंने अपना बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, बहुत बहुत गरीब, बावजूद भी मैंने अपना जो घर से निकलकर मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक जंगल को सुरक्षा करने का संगठन तैयारी किया, संगठन बनाया। अपना खाकर अपना सब कुछ कर, लेकिन मैं पत्रकार बंधु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। यू कट ए ट्री यू गेट ए लाइफ, इफ यू सेव ए ट्री यू सेव ए लाइफ, इफ यू प्लांट ए ट्री यू प्लांट ए लाइफ। सो एक कैप्शन का मतलब कितना लोग जानते हैं, आप जानते हो, समझ में आ गया। सो कम नेक्स्ट, आप देख लीजिए, एक्चुअली एक एक पीस, मतलब एक मम्मा मम्मा के पास जाके, उसका 5 बच्चे हैं, आप जाके हु इज योर फेवरेट चाइल्ड पूछेगा तो क्या कहेगी, बट यह हर एक पीस मेरा मास्टरपीस है, बट दिस इज माय फेवरेट, दिस इज, क्यों बता है, उसका पास्ट को वो रिक्रिएट कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है, जो मतलब जो पेनफुल पास्ट था, देख लीजिए, इट इज नॉट एडिटेड, इट्स अ रियलिस्टिक, यहां हमने मिरर रखा था, लीव्स डाला था, उसका आंख में जो पेन, देख लीजिए,
एंड वन मोर थिंग, द परफॉर्मेंस व्हाट शी हैज गिवन ना, वही करने के लिए हिंदुस्तान में एक एक्ट्रेस भी नहीं है, मतलब हर एक शॉट सिंगल शॉट है। एंड देख लीजिए उसका आंखें, देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको, दर्द दिख रहा है या हैप्पीनेस दिख रहा है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है या फाइटिंग स्पिरिट दिख रहा है, या कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक्चुअली जंगल में 3 दिन था उस समय, मतलब वहां मैं सारे इक्विपमेंट लेके मैं रेस्टेंट के साथ वहां जाके स्टे किया था। उस समय उन्होंने बोला है कि एलिफेंट सा अटैक करेगा या नक्सल सा अटैक करेगा, लैंड माफिया है, बट ये जो फोटो है ना मेरे को बहुत ही अच्छे फोटो, क्यों पता है, इसका आंख में देख लीजिए एक दर्द, देखिए मिट्टी, हम सब एक दिन ना दूसरे मिट्टी बनना पड़ेगा, उसको बच्चे नहीं है, वो जंगल को अपना बना दिया, सो हर एक पेड़ को बोलता है कि मेरे बच्चे हैं। एंड ये फोटो मेरे को इसीलिए बहुत पसंद है कि लेडी टार्जन, एक्चुअली आप इफ यू गो टू द चकुलिया एंड डिग द रियलिटी ना, इसको देख के डरते हैं लोग, ये सच को बचाने के लिए जंगल के साथ साथ वो फाइटिंग भी करती है। So this is the right time to bring awareness, जागृति लाने के लिए समय है। एंड मान सिंह जी देख लीजिए, एंड स्पेशली वो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, जो लव है, जो सोलफुल लव है, आजकल जमाने के लव नहीं है, देख लीजिए, she loves animals, she loves pet, देख लीजिए इसके दोनों के बीच में जो प्यार है। अब एक्चुअली क्या है कि कॉन्क्रीट जंगलों में रह रहा है, बट डूड जस्ट ऑब्जर्व इट, क्या सोलफुल लव है, जंगल के रानी है। एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट फोटो, क्योंकि यहाँ एक जगह है, वहां वो लोग एक्चुअली डिग करके वो पानी लेके पीते थे, This is, इसका सेना देख लीजिए आप, इफ यू हैव टेस्ट ना, आप एक एक फोटो देख लीजिए, उसका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, इसका एम देख लीजिए, दिस इज माई फेवरेट एक्चुअली, क्यों पता है, एक्चुअली उसका टारगेट अब अंबर है, स्काई है, मतलब ये जंगल का टार्जन है, मतलब एक्चुअली जमुना दीदी को फेस करने के लिए कोई बंदा है ही नहीं उधर, ये इसका सेना है। एंड दिस इज द मेन एपिसोड एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली आई एम इंस्पायर्ड। अब देख लीजिए आजकल के जमाने में लोग ना रोबो बन चुका है, बन रहा है, बट यहां देख लीजिए रक्षाबंधन के दिन पेड़ को रक्षाबंधन बांध रहे, राखी बांध रहे, देख लीजिए दिस इज एक्चुअली बंदा प्रॉब्लम जब भी प्रॉब्लम में जब कभी रहता है ना भगवान को याद करता है, बट ये फोटो देख लीजिए, शी इज नॉट वेटिंग फॉर समवन, शी इज वेटिंग फॉर हरसेल्फ, उसके साथ कौन पता है, मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एक एग्जीबिशन नहीं है, एक रियलिटी है, रियलिस्टिक लाइफ है, आप प्लीज आइए, नॉट ओनली यूर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, सबके साथ आइए, थैंक यू सो मच।